और वाराणसी से बसपा सुप्रीमो मायावती को सुन रहे थे आप, किस तरीके से वो ये गिनवाती नजर आई कि बसपा ने क्या कुछ उम्मीदें सपा या फिर बीजेपी सरकार से की थी, और वो उम्मीदें पर ना सपा उतरी और ना बीजेपी उतरी, इसीलिए बसपा जरूरी है ये बतलाती वो नजर आए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में छठे दौर की वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक 36.33% मतदान, राज्य के 10 जिलों में हो रहा है मतदान। कुल 57 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। छठे चरण में 676 उम्मीदवार मैदान में है। यूपी सरकार के 5 मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अभी तक 1 बजे तक की अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो 36.33% मतदान हो चुके हैं। वहीं अगर बात किया जाए संत कबीर नगरी की, तो वहां 34% मतदान, यूपी में दोपहर 1 बजे तक कुल मिलाकर के 36.33% मतदान हो चुके हैं। और इसी बीच इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रेम कुमार और साथ ही साथ राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ दोनों जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पे। सर राहुल जी, पहला सवाल आप ही से, और यही जानना चाहेंगे कि ये छठे दौर की यहां पर अब वोटिंग हो रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप छठे दौर की मतदान को? देखिए, छठा दौर का जो पूरा चुनाव है, ये बड़ा ही एक तरह से रोचक किस्म का चुनाव है, क्योंकि अगर हम लोग अगर इसको देखते हैं कि जो 2017 के पृष्ठभूमि में भी देखें, तो जब भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी ऐसी सीटें थी जिसमें बीजेपी कहीं कहीं जो है कि जो उनका बढ़त था, वो हम लोग देखते थे कि वो 50 से 80 हजार वाले भी सीटों की संख्या काफी होती थी। हम लोग जब चर्चा कर रहे थे पहले के समय में, या फिर बहुत सारे जगह पे वो 30 से 50 हजार वाली बढ़त वाली सीटों पे होती थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सीटें काफी जीती थी 2017 में, लेकिन वो मार्जिन दूसरे जगहों पर जैसी बड़ी मार्जिन थी, वैसी मार्जिन इस जगह पे नहीं थी। तो स्पष्ट है कि पूर्वांचल का यह क्षेत्र जहां 57 सीटों पे चुनाव हो रहा है, उसमें एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग की बड़ी भूमिका होती है, और यहाँ पे छोटी छोटी जातियां जिस तरीके से हैं उसको लेकर जो पूरा रणनीति हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी बनाई है उसको लेकर रणनीति, और समाजवादी पार्टी भी उस पूरे पूरे रणनीति पे नजर आ रही है। आप देखिए कि एक तरह से 2017 में तो भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल इंजीनियरिंग का अम्ब्रेला था वो काफी बड़ा अम्ब्रेला था, और इस बार थोड़ा उनके कुछ एक दो घटक जो है कि ओम प्रकाश राजभर वगैरह वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी आ गए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से जो है समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए, तो समाजवादी पार्टी ने इस अम्ब्रेला को काफी बड़ा किया। तो सोशल इंजीनियरिंग के दो दो समीकरण यहाँ पे टकरा रहे हैं, चाहे वो संजय निषाद अगर वो उधर से उनके तरफ से देख रहे हैं, प्रेम कुमार जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। प्रेम कुमार जी, आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? छठे दौर की मतदान हो रहे हैं, और अब देखा जाए सिर्फ एक ही चरण बचा हुआ है, ऐसे में छठवां चरण कितना अहम? सीमा जी, छठा चरण योगी आदित्यनाथ जी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत किसी भी दूसरे नेताओं की। योगी आदित्यनाथ जी के लिए व्यक्तिगत सीट भी है, और उनके प्रभाव वाले इलाकों में वो कैसे अपना प्रभाव स्थापित करते हैं यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या में उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया है। अयोध्या में चुनाव लड़ाया जा रहा था तब उनको एक हिंदू फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वो कोशिश न करके इनको गोरखपुर भेजा गया। और योगी आदित्यनाथ की के लिए दोहरी चुनौती है, एक चुनौती वो है जो सामने प्रत्याशी हैं जिनसे उनको जीतना है, और दूसरी चुनौती है वो भीतरघात करने वाले लोग जो उनको चुनाव हराने में लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी को चुनाव हराने में गोरखपुर में भी बीजेपी के भीतर लोग लगे हुए हैं और दिल्ली में भी लगे हुए हैं। आज ही देखिए शिव प्रसाद शुक्ला जी का एक बयान आया है, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि जनता अगर किसी को बदलना चाहेगी तो बदल सकती है। ये कोई नई बात नहीं है, जनता ही बदलती है, लेकिन मतदान के दिन अगर बीजेपी नेता इतनी बड़ी बात बोलते हैं, जो कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे स्वयं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बताता है कि गोरखपुर में बीजेपी के भीतर जो भीतरघात है, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है, और उस पर जीतना इनके लिए महत्वपूर्ण होगा, ये देखने की बात। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ अगर राहुल जी बात किया जाए आज के मतदान की, तो जिस रफ्तार से यहाँ अगर 1 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो 36.33% मतदान हो चुके हैं, क्या लग रहा है जनता ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रही है, या फिर ये जो आंकड़े हैं ये काफी है छठे चरण के लिए इतने समय तक का? देखिए, अभी मतदान के आंकड़े हो सकता है कि समय शाम तक बढ़ भी जाए, हालांकि अभी तक जो आंकड़े हैं वो एक एवरेज किस्म के आंकड़े हैं, जो हम लोग एक अपेक्षा करते हैं कि देखिए ये जो कम से कम जो ये चरण है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का चरण है, वो योगी जी का चरण है, तो योगी जी के चरण के कारण जो इसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा कुछ देख रहे थे कि जनता काफी उत्साह के कारण भाग लेगी,
उस रूप में नजर नहीं आ रहा है। परंपरागत ढंग से एक तरह से कहीं कहीं वोटिंग हो रहा है, बाकी तो फाइनल जब वोटिंग प्रतिशत आएगा तब फिर पता चलेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से अयोध्या वगैरह के क्षेत्र में हम लोगों ने उस दिन देखा कि 3% लगभग वोटिंग कम रहा, तो एक तरह से क्या वो स्थितियां यहाँ पे बनेंगी। लेकिन दो तीन चीजें जो अभी हम लोग देख रहे थे कि जो गोरखपुर का क्षेत्र है, गोरखपुर में जहाँ पे खुद मुख्यमंत्री जी तो चुनाव लड़ ही रहे, लेकिन जो 9 विधानसभा सीट है उसमें से एक विधानसभा सीट पिछले बार जो है कि वो बीएसपी ने जीती थी, बाकी 9 में से 8 जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो बीजेपी का जो एक तरह से काफी ज्यादा प्रयास होगा कि क्या वैसे स्थिति में मुख्यमंत्री पिछले साल वाला परफॉर्मेंस दोहराएंगे वहां पे अपने प्रभाव क्षेत्र पर लेके, जो अभी प्रेम जी कह रहे थे कि भाई गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में उनका प्रभाव कैसे दिखेगा, क्योंकि देखिए वो भी चीज बड़ी चुनौती भरी वाली चीज है। 28 फरवरी को वहां पे एक तरह से अमित शाह जी और योगी जी का रोड शो भी होने वाला था, तो वो रोड शो भी नहीं हुआ। हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे अचानक से मायावती जी काफी एक्टिव हो रही है, गोरखपुर के क्षेत्र में भी प्रचार कर रहे थे, अभी आप अपने कार्यक्रम में भी दिखा रहे थे कि वो अचानक से जो है कि बड़ा एक्टिव होते हुए नजर आ रही है इस क्षेत्र में। तो हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि दलित मतदाता, विशेषकर जो जाटक दलित मतदाता है, उनकी भी उपस्थिति अच्छी खासी। हमारे साथ दोनों ही मेहमान बने हुए, दोनों वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। राहुल जी से हमने जाना ब्रेक से पहले कि ये जो फीसदी 1 बजे तक की जो फीसदी आई है उस पर उनका क्या रिएक्शन था। प्रेम कुमार जी आपसे जानना चाहूंगी, 1 बजे तक का जो प्रतिशत है वोटों का वो 36.33% मतदान अभी तक हुए हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इस आंकड़ों को? देखिए सीमा जी, जो अब तक 5 चरण हुए उसके मुकाबले तो ये वोट प्रतिशत कम है, लेकिन ये पिछली दफा भी ऐसा ही था कि पश्चिम की तरफ अधिक मतदान हुए थे और जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़े थे मतदान कम होता गया, इस बार भी वैसा ही है। मतलब 56-57% मतदान होता है तो पिछले बार की तरह ये माना जाएगा, और अभी जैसे 40% से जितना कम है वो समझिए पश्चिम के मुकाबले कम मतदान हुआ है। तो ये मतदान प्रतिशत बता रहा है कि पूरब में कम मतदाता निकलते हैं आमतौर पर, वही ट्रेंड इस बार भी है, लेकिन पिछली बार से कम निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं ये इम्पोर्टेंट बात है। तो ऐसे में प्रेम कुमार से अगर जानना चाहें कि आप अगर ये बात कहते हैं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि कम मतदान हुआ है, इस पूर्वांचल की तरफ कम मतदान हुआ है, तो इसका मुख्य कारण किसे माना जा सकता है? क्या जनता जागरूक नहीं है या फिर नाकामयाबी किसी और की? देखिए मुख्य कारण तो किसी एक को दोष हम नहीं ठहरा सकते। इसी देश की जनता किसी इलाके में 78% भी मतदान करती है और इसी देश के किसी प्रदेश में औसतन 60% मतदान होता है, तो हम इसको मानते हैं कि व्यवस्था जो है, हमारा चुनाव आयोग, हमारा देश, हमारी राजनीतिक व्यवस्था जो कि वोट को जनता आसानी से दे, सहूलियत से दे, इसके लिए हम काम नहीं कर पाए हैं। जो छोटे छोटे इलाके, जैसे मान लीजिए मणिपुर में 78% होता है तो वहाँ बूथ घर के पास होते हैं, इन इलाकों में देखिए बहुत दूर जाना पड़ता है वोट देने के लिए। इसके अलावा जब दूर जाना पड़ता है तो मौसम भी असर करने लगता है और दूसरी चीजें भी होती हैं, और कोई एक फैक्टर होना चाहिए अधिक वोट देने के लिए, इंस्पायरिंग फैक्टर्स, उसकी कमी रहती है, तो इसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल, राहुल लाल जी आपको क्या लगता है क्या वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये फीसदी जो है, प्रतिशत जो है 1 बजे तक 36% ही रह के सिमट के रह गई है, या फिर अभी ये सिर्फ अभी 1 बजे तक के आंकड़े, हो सकता है 6 बजे तक आपको लगता है कि और बढ़ चढ़ करके आंकड़े आ सकते हैं सामने? देखिए मैं आशा तो करूंगा सीमा जी कि आंकड़े जरूर बढ़े, लेकिन जो सवाल है आपका कि आखिर यहाँ पे मतदान प्रतिशत क्यों कम रह जाता है। देखिए एक तो जो प्रेम जी ने जो मुद्दे रखे वो तो है बिल्कुल सही कारण है, लेकिन साथ साथ देखिए कुछ और चीजों को भी जोड़ना पड़ेगा कि आखिर मतदाता उदासीन क्यों है। जो जहाँ पे पूर्वांचल में चुनाव हो रहे हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं बदल जाती हैं, लेकिन अभी भी वो क्षेत्र अगर हम लोग पश्चिमी यूपी या अन्य क्षेत्रों से देखें तो काफी पीछे है। तो सरकारों के बदलने से लोगों के जब तक जीवन पे बिल्कुल उनको अनुभव ना हो कि हम बदल हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, तो लोगों में उदासीनता की स्थिति आ जाती है कि आप सरकार बदल जाती है लेकिन हम उसी जगह पे रह जाते हैं। तो वो उदासीनता यानी सरकार के विकास कार्यक्रम जिस तरह से जमीनी स्तर पर पहुंचने चाहिए, और तमाम चीजों ये जो निराशा है वो किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं है, समाजवादी पार्टी के प्रति नहीं, वो एक तरह से राजनीति के प्रति निराशा को प्रकट करता है ये सीमा जी। तो एक तरह से राजनीतिक दल जब और एक्टिव होंगे, चुनाव आयोग और एक्टिव होगा, तो जरूर हम लोगों को भविष्य में यहाँ पे भी मतदान प्रतिशत अच्छा देखने के लिए मिलेगा।
तो अगर देखा जाए करता हूँ जी, लेकिन राहुल लाल जी अगर देखा जाए यहाँ पर तो जिस हिसाब से चुनाव आयोग द्वारा, प्रशासन द्वारा बहुत ज्यादा जागरूकता अभियान चलाए गए थे, फिर चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा हो या फिर आम जनता तक अपील पहुंचानी हो ट्वीट के जरिए, हर एक यही कहते मतदान करने की बात कहते नजर आए, युवा मतदाता बहुत बढ़ चढ़ करके हमने देखा अन्य जगहों पर सामने आए, महिला मतदाता बहुत ज्यादा सामने आई, मुख्य वजह यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ? देखिए ये तो हम लोग देखें चुनाव आयोग में तैयारियां तो बहुत कुछ की, देखिए युवाओं को आकर्षित करने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए, महिलाओं को आकर्षित करने के लिए जो है कि पिंक बूथ बनाए गए अलग से जो है कि मतदान करने के लिए, वो तो अलग से देखिए अलग अलग जगहों पे जैसे लोकतंत्र का उत्सव गुब्बारों दिखना चाहिए उत्सव जैसा गुब्बारों से सजाया भी गया है, तो प्रयास तमाम हुआ है। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस हिस्से में विकास की जो रोशनी बिल्कुल अंदर तक पहुंचनी चाहिए हमारे सिस्टम्स के द्वारा, अब तक के तमाम सरकारों के द्वारा वो उस रूप में नहीं पहुंचा है, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक व्यवस्था के प्रति एक निराशा का भाव भी आ गया है। दोनों चीजें, एक तो देखिए जो बूथ है वो पास में हो, तमाम तरह की चीजें उसको देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हम लोग जान रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल के बीच में चुनाव हो रहे हैं तो बूथों की संख्या में वृद्धि भी किया है इस बार पिछले 2017 की तुलना में, लेकिन फिर भी अगर वो संख्या नहीं बढ़ रहा, मेरी चिंता इसलिए भी है कि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में तो कम से कम वहां के भी आंकड़े जो है राहुल लाल जी की यही उम्मीद की जाती है कि मतदाता बढ़ चढ़ करके सामने आए, और देखने वाली बात होगी कि हालांकि अभी समय बचा हुआ है कितने देर में कितने मतदाता सामने आते हैं। प्रेम कुमार जी एक और विषय पर आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से ममता बनर्जी भी कवायद करती नजर आ रही है इन चुनावों में, आप किस तरीके से देख रहे हैं उनकी भूमिका को? ममता बनर्जी निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि एक मोदी विरोधी फ्रंट बनाने की कोशिश कर रही है, तो इसमें वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के साथ में एक केमिस्ट्री बनाती हुई दिख रही है, तो इसमें उन्होंने चुनावी कोई अपना मोह नहीं रखा है, कोई लाभ लोभ लालच नहीं रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट, और खुद चूंकि वो ब्राह्मण भी हैं और चूंकि उन्होंने बीजेपी को हराया है, तो ऐसे बीजेपी को हराने वाली ताकतों को इकट्ठा करने का एक अट्रैक्शन पॉइंट हो जाए और अखिलेश यादव जी के साथ में भविष्य की राजनीति को मजबूत करने का एक आधार बना सके, इसीलिए वो एक्टिव नजर आ रही हैं, और उनका महत्व इस बात में है कि उन्होंने सारी मिशनरी सारी ताकत को परास्त करते हुए बीजेपी को जीतने नहीं दिया था पश्चिम बंगाल में, जबकि ऐसा लग रहा था पूरी मीडिया कह रही थी कि बीजेपी वहां आ जाएगी, मगर ममता जी ने उनको नहीं आने दिया, तो ये उनका महत्व है। और बनारस में उसे पहुंच करके अगर वो कुछ ऐसा कह रही हैं और बीजेपी के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, वो धरने पर बैठ रही हैं, तो एक तरह से ये बात उनका जो स्ट्रगल है वो बीजेपी के खिलाफ नहीं जाता है जी, मतलब साफ तौर पर देखा जाए एक मजबूत भूमिका निभाती हुई आगे चल के वो सामने आ सकती हैं। राहुल लाल जी देखिए छठे चरण का चुनाव हो रहा है, सातवें चरण की पूरी तैयारी भी की जा रही है सभी दल द्वारा, किस तरीके से सातवें चरण की जो तैयारियां चल रही है कितनी कामयाब होती नजर आएगी? देखिए सातवें चरण पे तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन देखिए जो ममता बनर्जी जी वाला सवाल था, मैं बस दो पंक्ति उसमें कहूंगा कि देखिए एक तरह से कांग्रेस जो मुख्य विपक्ष वाले स्थान पे है उनका पूरा प्रयास है, क्योंकि वो गोवा में चुनाव लड़ना हो, तमाम जगहों पे अपना प्रचार प्रसार करना हो, स्टालिन या तमाम विपक्षी नेताओं को एक साथ जो है कि लेने का प्रयास, तो वो देखिए वो लगातार उस प्रयास में लगी हुई है जो उनकी महत्वाकांक्षा है कि हम एक तरह से कांग्रेस का स्थान ले सकें। देखिए इसमें वो सफल कितनी होंगी नहीं होंगी वो तो बड़ा मुश्किल चीज है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में एक तरह से अगर आप विपक्ष की राजनीति करते हैं तो उसमें कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी होती है, लेकिन वो उसका एक विकल्प तैयार करने का पूरा पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, और उसी संदर्भ में उनके उत्तर प्रदेश में जो अभी वो अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार कर रही है वो उसी के साथ एक तरह से मोर्चाबंदी का ही लक्षण है। जहां तक सातवें चरण के लिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए स्पष्ट है कि वो आखिरी है और 5 मार्च को शाम 5 बजे जो है कि चुनाव प्रचार भी समाप्त हो जाएंगे, तो तमाम जो चाहे वो विपक्षी दल हो या सत्तारूढ़ पार्टी हो और तमाम उन लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जो छठा या सातवां चरण है यहाँ पे एक तरह से जो सोशल इंजीनियरिंग है उसकी भूमिका बहुत ज्यादा होगी, जो उस सोशल इंजीनियरिंग को जमीनी स्तर पर साध लेगा वो एक तरह से प्लस पॉइंट में जरूर रहेगा, क्योंकि देखिए सत्तारूढ़ पार्टी के पास अगर 2-3 चीजें हम लोग देखें तो ये जरूर जो है कि लाभार्थियों के व्यापक समूह के बारे में बातचीत करते हैं, तमाम दूसरी चीजों को बातचीत करते हैं, और विपक्ष जो है
जो सरकार के जो डबल एंटी इनकम्बेंसी के कारण जो प्रमुख मुद्दे उभरे हैं, इनकी जो विफलताएं उभरी हैं, उसको लेकर चल रहे हैं। तो ये तो एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में कौन कितना ज्यादा आगे बढ़ेगा वो तय करेगा कि सातवां राउंड का चुनाव में भी कौन जो है उसका भी सिकंदर कौन कैसे बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ प्रेम कुमार जी, देखिए जिस तरीके से क्या ये जो चुनाव है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है राजनीतिक दलों के लिए या फिर राजनेताओं के लिए, क्योंकि इस बार जो दिग्गज हैं उनके सपूत भी मैदान में है, तो इस मायने से भी काफी अहम ये माना जा सकता है। ऐसा सीमा जी हर बार होता है, राजनीतिक दल जो उनके नेता जो अपने अपनी जगह अपनी अगली पीढ़ी को स्थापित करना चाहते हैं वो मौका देखते हैं, और इस बार भी ऐसा है, ये नई बात नहीं है। आप देखेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी से रीता बहुगुणा जोशी जी ने कितना दम लगाया कि उनके बेटे को टिकट मिल जाए, लेकिन वो नहीं हुआ, ऐसा भी उदाहरण मौजूद है। तो सब तरह के, या अखिलेश यादव जी के ने इस बार अपने परिवार में किसी को टिकट नहीं दिया किसी, जबकि बहुत दावेदार थे परिवार में, नहीं दिया। शिवपाल यादव जी इसलिए टिकट पा गए चूंकि वो तो संस्थापक है, उनको अखिलेश जी क्या टिकट देंगे, वो तो टिकट उनको वो पार्टी नहीं उन्होंने खड़ी की, इसलिए अखिलेश जी ने उनको परिवार के नाते टिकट दिया, ऐसा उदाहरण नहीं है। फिर भी हम ये कहेंगे सब तरह के उदाहरण है, लेकिन हम ये कहेंगे इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। इस चुनाव की अहमियत इस बात में है कि अगर ये चुनाव बीजेपी जीतती है तो फिर योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व एस्टैब्लिश होगा। प्रेम जी, चुनाव अहम मैंने इसलिए नहीं पूछा कि ये चुनाव कितना अहम है, इसलिए पूछा कि उन राजनेताओं के लिए जिनके जो पुत्र हैं वो मैदान में उतर रहे हैं उनके लिए कितना अहम होगा, क्या वो जो बच्चे उतर रहे हैं, वो उनके जो पुत्र उतर रहे हैं मैदान में, क्या वो जनता पर वो छाप छोड़ पाएंगे जो उम्मीद लगाई जा रही थी। देखिए नेता के व्यक्तिगत रूप में तो हार का मतलब नुकसान ही नुकसान होता है, और जीत का मतलब फिर उनका मकसद जो है वो पूरा होता है। तो इतना भर जरूर है और संबंधित जो भी नेता है जिनके चुनाव बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, बेटी चुनाव लड़ रही हैं, अब जैसे अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनकी बेटी सांसद है बीजेपी से, आज वो खुद है समाजवादी में, बेटी है सांसद बीजेपी से, तो ये उनका आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन पॉलिटिकल एरिया में उनका होता है, होना चाहिए, उस हिसाब से ये महत्व रखता है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राहुल लाल जी और प्रेम कुमार जी मौजूद हैं, लेकिन इसी बीच यहां रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर और इसी विषय पर और भी विस्तार से इनसे चर्चा करेंगे।